हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित भारद्वाज। न्यूएस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया, अपने आरजेवी यानी कि रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा और विराट कोहली रिटायरमेंट ले चुके हैं। अब T20 में ये तीनों के तीनों ही नहीं दिखेंगे दिग्गज, तो इनकी जगह कौन ले सकता है दोस्तों। आज मैं आपको यही बताने आया हूँ इस वीडियो में। चलिए, इससे पहले कि मैं आप लोगों को बताऊं कि इनकी जगह कौन कौन से खिलाड़ी ले सकते हैं, आप लोग एक काम कीजिए कि मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं इन तीनों की जगह ले सकते हैं। काफ़ी सारे नाम है दोस्तों। वैसे चलिए मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। कुछ कुछ तो आईपीएल भी खेलते हैं, कुछ कुछ क्या सारे ही खेलते हैं जितने भी प्लेयर्स हैं। तो पहला नाम जो आता है दोस्तों, वो आता है यशस्वी जायसवाल का। ये T20 वर्ल्ड कप में इंडिया टीम के साथ भी थे। दूसरा नाम आता है दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ का। तीसरा नाम आता है दोस्तों अभिषेक शर्मा का। चौथा आता है शुभमन गिल का। पांचवा दोस्तों, जो कि इस वक्त अभी किसी के ख्वाबो ख्याल में नहीं है उनके इनडिसिप्लिन की वजह से, हालांकि शुभमन गिल ने भी इनडिसिप्लिन दिखाया था और उनको वर्ल्ड कप से उठा के बाहर फेंक दिया था, हालांकि वो अपने सिर्फ रिजर्व्स की टीम में ही थे। बट ये आदमी को जो है, ये प्लेयर को पहले से ही जो है टीम से निकाला जा चुका है इनडिसिप्लिन की तरफ की वजह से, और मैं बात कर रहा हूँ ईशान किशन का। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक रिप्लेसमेंट हो सकते हैं इन दोनों में से किसी खिलाड़ी का। और रविंद्र जडेजा के लिए कौन हो सकता है दोस्तों। रविंद्र जडेजा के लिए मुझे लगता है या तो कुणाल पांड्या, या फिर आप कह सकते हैं कि वॉशिंगटन सुंदर, या फिर आप कह सकते हैं वेंकटेश अय्यर। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों। मैंने आपको तकरीबन तकरीबन 7-8 नाम दे दिए हैं। आपको क्या लगता है कि इन 7-8 नामों में से कोई तीन ऐसे प्लेयर हो सकते हैं जो इन तीनों को रिप्लेस कर सकते हैं, या आपके दिमाग में कोई और नाम है, मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं एक्चुअल में डिजर्व करते हैं रोहित की, विराट की और रविंद्र जडेजा की जगह लेने में। तो दोस्तों, अगर मैं प्लेयर्स के जो अभी तक के रिकॉर्ड हैं T20I के, उनसे शुरुआत करूं, तो शुभमन गिल ने जो है वो अभी तक 14 T20I खेले हैं, 335 रन मारे हैं उन्होंने। एवरेज है उनकी सिर्फ 25.76 की और स्ट्राइक रेट है उनका 147.57 का। बट दोस्तों, ये इतने टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो है ये फिट होंगे, चाहे रोहित शर्मा चाहे विराट कोहली के जो है उनके शूज में। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों यशस्वी जायसवाल की। इन्होंने 17 T20I खेले हैं, 502 रन मारे हैं। बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है दोस्तों इनका, मतलब शुभमन गिल से तो कहीं ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड लग रहा है इनका। एवरेज है इनकी 33.5 की, स्ट्राइक रेट है 161.9 का। तो ये तो दोस्तों मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि ये किसी ना किसी खिलाड़ी को रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद नाम आता है दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ का। ऋतुराज गायकवाड़ ने 19 मैचेस खेले हैं, 17 इनिंग्स खेली हैं, इन्होंने भी 500 रन मारे हैं। एवरेज है इनकी 35.7 और स्ट्राइक रेट है 140.1 का। इसके बाद आते हैं दोस्तों ईशान किशन। ईशान किशन जो है दोस्तों, उन्होंने 32 अभी तक जो है मैचेस खेले हैं, 32 इनिंग खेली हैं, 796 रन मारे हैं, 25.7 की इनकी एवरेज है और स्ट्राइक रेट है इनका 124.4। अभिषेक शर्मा की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो उन्होंने सिर्फ आईपीएल ही खेला है, उन्होंने अभी तक कोई T20I नहीं खेला है। हालांकि वो अभी जो जिम्बाब्वे टीम जा रही है उसमें वो खेलेंगे ज़रूर, 5 मैचेस की T20I है, तो उनके नाम पे भी T20I का रिकॉर्ड जो है वो चढ़ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कृणाल पांड्या की। तो कृणाल पांड्या ने भी जो है वो 19 मैचेस में 10 इनिंग्स में बैटिंग करी है, 124 रन मारे हैं 24.8 की एवरेज से और इनका स्ट्राइक रेट है 130.5 का। बॉलिंग की बात करूं दोस्तों, तो 19 मैचों में इन्होंने जो है वो 8.10 रन की इकोनॉमी से जो है वो गेंदबाजी करी है, टोटल विकेटें ली हैं मात्र 15 और इनका जो स्ट्राइक रेट है वो है 36.9 का। वहीं अगर दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर की बात करूं मैं, तो वॉशिंगटन सुंदर ने जो है 43 मैचेस खेले हैं लेकिन 15 ही इनिंग्स में उनकी बैटिंग आई है।
बैटिंग में वो कुछ खास नहीं कर पाए हैं, मात्र 107 रन मारे हैं 10.7 की एवरेज से। 150 का उनका स्ट्राइक रेट है दोस्तों, 150.7 का। और बॉलिंग जो उन्होंने करी है वो 43 में से 41 मैचेस में करी है दोस्तों। 34 विकेट्स उन्होंने ली हैं, इकोनॉमी है उनकी 7.17 की और स्ट्राइक रेट है उनका 28.5 का। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो है, माफ कीजिएगा, एवरेज है उनकी 28.5 की, स्ट्राइक रेट जो है 23.7 का है। तो इन सभी खिलाड़ियों की अगर मैं दोस्तों बात करूं, हाँ अपने वेंकटेश अय्यर रह गए दोस्तों, उन्होंने भी क्या कमाल किया है उनका भी देख लेते हैं। उन्होंने T20I खेले हैं अभी तक 9, उनमें 7 बार उनकी जो है वो बैटिंग आई है, 133 रन उन्होंने मारे हैं, 33 की उनकी एवरेज है दोस्तों और स्ट्राइक रेट है उनका 162.2 का। बॉलिंग में उन्होंने 9 में से 4 बार बॉलिंग करी है, 5 विकेटें ली हैं, 8.18 की उनकी इकोनॉमी है और 15 की उनकी दोस्तों एवरेज है। तो अगर बॉलिंग की एवरेज देखी जाए दोस्तों तो काफ़ी अच्छी एवरेज लग रही है उनकी। स्ट्राइक रेट भी उनका दोस्तों है 11 का, यानी कि हर 11 बॉलों में वो जो है एक विकेट लेते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो है वो कुछ कुछ हद तक जो है क्लियर हो रहा है कि किस किस खिलाड़ी को जो है लिया जा सकता है। मैं दोस्तों अपना फेवर करूंगा एक तो रोहित शर्मा को रिप्लेस करने के लिए, रोहित शर्मा को रिप्लेस करने के लिए मैं चाहूंगा यशस्वी जायसवाल उनको रिप्लेस करें, बहुत ही अच्छी एवरेज है और स्ट्राइक रेट जो है उनका वो भी बहुत अच्छा है दोस्तों, 33 की एवरेज है, 33.5 की और 161.9 की उनकी स्ट्राइक रेट है। तो मेरे हिसाब से रोहित शर्मा को एज बैट्समैन जो रिप्लेस कर सकते हैं वो है यशस्वी जायसवाल। और जहां तक दोस्तों विराट कोहली की बात है, अगर मैं क्लासिक पने की बात करूं कि ज्यादा क्लासिक तरीके से कौन खेलता है तो शुभमन गिल है, अगर वो अपनी बैटिंग को थोड़ा सा और स्ट्रांग कर दें तो वो रिप्लेस कर सकते हैं विराट कोहली को। लेकिन अभी के स्टैट के हिसाब से दोस्तों मैं जाना चाहूंगा ऋतुराज गायकवाड़ के साथ, उन्होंने 19 मैचेस में 17 इनिंग्स में 500 रन मारे हैं 35.7 की एवरेज से। T20 में 35 की एवरेज, 40 की एवरेज काफ़ी अच्छी होती है दोस्तों, स्ट्राइक रेट भी है इनका 140 का। शुभमन गिल का जो स्ट्राइक रेट है वो है तकरीबन 123 का, माफ कीजिएगा दोस्तों, शुभमन गिल का जो स्ट्राइक रेट है वो है 147 का। तो स्ट्राइक रेट के मामले में भले ही ज्यादा है लेकिन एवरेज जो है इनकी कहीं ना कहीं मात खा जाती है, 25 की एवरेज है, ऋतुराज गायकवाड़ की 35 की एवरेज है। दोनों को मैं बैलेंस में ही रखूंगा विराट कोहली के लिए, बट अभी के लिए अगर प्रेफर करना मुझे तो दोस्तों मैं ऋतुराज गायकवाड़ को प्रेफर करूंगा शुभमन गिल के बदौलत, क्योंकि शुभमन गिल के पास अभी टाइम है, वो विराट कोहली की जगह जो है वो मतलब वन डाउन ना आकर वो टू डाउन सूर्या है, थ्री डाउन भी कोशिश कर सकते हैं आने की, या दूसरे ओपनर को यशस्वी जायसवाल के साथ वो ओपन कर सकते हैं, भैया वो भी तो अब जगह खाली हो गई है, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे ओपन कर रहे थे वर्ल्ड कप में, तो शुभमन गिल जो हैं वो आकर जो हैं यशस्वी जायसवाल के साथ ओपन कर सकते हैं। नंबर 3 पर जो हैं वो अपने ऋतुराज गायकवाड़ रह सकते हैं, 4 पे सूर्या, 5 पे हार्दिक पांड्या, इस तरीके से जो है वो हमारी आगे की टीम हो सकती है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको रोहित शर्मा को रिप्लेस करना है तो यशस्वी जायसवाल बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, और विराट कोहली को अगर आपको रिप्लेस करना है तो अभी के हिसाब से ऋतुराज गायकवाड़ की जगह बनती है। हालांकि शुभमन गिल भी थोड़े से क्लोज आ सकते हैं अगर वो अपनी T20 की गेम जो है वो अच्छी कर लें तो। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है दोस्तों कि रविंद्र जडेजा की जगह कौन लेंगे, कृणाल पांड्या या वॉशिंगटन सुंदर या फिर वेंकटेश अय्यर। अब इन तीनों में दोस्तों मुझे ऐसा लगता है, ईशान किशन का तो दोस्तों मैं खैर जिक्र करना भूल ही गया, ईशान किशन के भी हालांकि बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स हैं दोस्तों बट उनकी भी एवरेज जो है वो एवरेज से मात खाते हैं, 25.7 की उनकी एवरेज है और 124 की जो है उनकी स्ट्राइक रेट है, तो यहाँ पे वो मात खा जाते हैं। अभिषेक शर्मा का जैसे मैंने बताया उनका अभी कुछ है ही नहीं तो उनको अभी इतना तोला नहीं जा सका है इंटरनेशनल क्रिकेट के मामले में, तो वो भी रूल आउट करता हूँ मैं। इसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं रविंद्र जडेजा के लिए, तो कृणाल पांड्या का जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बैटिंग की एवरेज है मात्र 24.8 लेकिन बॉलिंग की जो एवरेज है वो है दोस्तों इनकी 36.9 की,
और स्ट्राइक रेट है इनका 27 का, मतलब एक ओवर एक मैच से भी कम में जो है, एक मैच से भी ज्यादा, यानी कि 24 बॉलें फेंक सकते हैं आप एक T20 में, उससे भी ज्यादा जो है 27.3 बॉलों में एक विकेट लेते हैं ये। तो कृणाल पांड्या दोस्तों इस हिसाब से, मेरे हिसाब से रूल आउट होते हैं। वॉशिंगटन सुंदर का देखते हैं दोस्तों, तो उनकी भी बैटिंग एवरेज जो है वो बहुत ही कम है, 10.7 की उनकी एवरेज है। और अगर बॉलिंग की बात करूं तो उनका स्ट्राइक रेट है दोस्तों 23.7 का, एवरेज है 28.5 का। इस हिसाब से दोस्तों अगर देखा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं लैक करते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों जो विनर बनते हैं वो अभी के हिसाब से विनर बनते हैं वेंकटेश अय्यर, हालांकि उन्होंने मैचेस बहुत कम खेले हैं और उनकी स्पिन उतनी भी अच्छी नहीं मानी जाती जितने की बाकी के दोनों जो बता रहा हूँ ना, वॉशिंगटन सुंदर हो गए और साथ में अपना कृणाल पांड्या होगा, ये दोनों बॉलिंग ऑलराउंडर हैं रविंद्र जडेजा की तरह। वेंकटेश अय्यर जो है वो बैटिंग ऑलराउंडर हैं, बट स्टिल अगर इनका रिकॉर्ड देखें तो 33 की इनकी बैटिंग की एवरेज है, 162 का इनका स्ट्राइक रेट है, और साथ में इन्होंने सिर्फ 4 ही इनिंग में 9 में से जो है वो बॉलिंग करी है, उसमें इनका स्ट्राइक रेट जो है वो 11 का है और एवरेज जो है दोस्तों इनकी वो 15 की है। तो उस हिसाब से देखा जाए, टोटल इन्होंने विकेटें ली हैं 5, उस हिसाब से देखा जाए तो हालांकि अभी थोड़े से अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं आप इनको, थोड़े से अंडर ट्रायल कह सकते हैं आप इनको, बट मेरे हिसाब से दोस्तों वेंकटेश अय्यर की भी जगह बनती है। अगर वेंकटेश अय्यर की जगह नहीं बनती है दोस्तों तो फिर मुझे समझ में नहीं आता, फिर तो आप कृणाल पांड्या और वॉशिंगटन सुंदर किसी को भी आप ट्राई कर सकते हैं। वॉशिंगटन सुंदर अपना वन डाउन आके जो है बैटिंग भी कर सकते हैं और साथ में अपना पावर प्ले में जो है वो बॉलिंग भी कर सकते हैं। तो वॉशिंगटन सुंदर के पास एक ये थोड़ा सा एडिड एडवांटेज है कि वो वन डाउन आके जो है वो बॉलिंग बैटिंग भी कर सकते हैं और बॉलिंग को ओपन भी कर सकते हैं T20I में। बट स्टिल दोस्तों मतलब अपनी मैं एक गट फीलिंग के हिसाब से जो है वेंकटेश अय्यर के साथ जाना चाहूँगा, उनको कहूँगा कि वो थोड़ी सी अपनी बॉलिंग में और सुधार कर लें ताकि उनको एज जो है वो पूरा प्रॉपर ऑलराउंडर की तरह, नॉट एज बैटिंग ऑलराउंडर की तरह खिलाया जाए, क्योंकि रविंद्र जडेजा एक बॉलिंग ऑलराउंडर थे तो बैटिंग तो उनकी अच्छी है ही है, बट वो एक अच्छे जो हैं ऑफ स्पिनर भी बहुत अच्छे बन सकते हैं। और वैसे भी गौतम गंभीर जो है आने वाले हैं, कोच बनने वाले हैं, श्रीलंका की सीरीज जिम्बाब्वे के बाद शुरू होगी, तो मुझे ऐसा लगता है 15 से 18 जुलाई के बीच में जो है गौतम गंभीर को इंडिया का जो है वो कोच मेंटर बना दिया जाएगा। अब वेंकटेश अय्यर भी जो है वो KKR की तरफ से ही खेलते हैं जहां तक मेरा ख्याल है, तो KKR के भी एक दो प्लेयर तो वो पुश करेंगे ही करेंगे। वैसे भी वेंकटेश अय्यर काफी अच्छे फॉर्म में भी लग रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों रोहित शर्मा को रिप्लेस करने के लिए यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली को रिप्लेस करने के लिए ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल को आप कभी कभी टेस्ट कर सकते हैं बट लॉन्ग रन में अभी तो नहीं, और इनकी जगह जो है रविंद्र जडेजा की जगह आप वेंकटेश अय्यर को, या साथ में मैं थोड़ा सा एज रखूंगा वॉशिंगटन सुंदर को। तो कृणाल पांड्या आउट होते हैं दोस्तों इस रेस से। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बता ही चुके हैं, और भी अगर कुछ कहना चाहते हैं कमेंट्स में तो दोस्तों कमेंट में कमेंट करके मुझे बताइए। आपको मेरी चॉइस कैसे लगी, मेरी एनालिसिस कैसे लगी, इसके बारे में भी कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। लाइक आप कर ही चुके होंगे वीडियो को, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, ताकि देखते हैं कि भविष्य में 2 साल के बाद जब वर्ल्ड कप होगा T20I का, तो कौन से ऐसे खिलाड़ी होंगे जो मैंने प्रिडिक्ट किए हैं वही वो खिलाड़ी होंगे, या कोई और खिलाड़ी होंगे जो कि विराट को, रोहित शर्मा को और रविंद्र जडेजा को रिप्लेस कर चुके होंगे। अगर यही हुए तो भैया आप आराम से कह सकते हैं ना लोगों कि भैया देखो 2 साल पहले ही जो है न्यूज़ टी ने, अमित भारद्वाज ने वीडियो बना के बता दिया था कि ये रिप्लेस करेंगे, तो मेरा भी थोड़ा चैनल चल जाएगा यार, आपकी भी बढ़ाई हो जाएगी कि वाह कितने अच्छा चैनल देखते हो आप। हो सकता है वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें, शेयर करने से ही सब्सक्राइब कर लें, 2 साल के बाद तो करेंगे ही करेंगे, खैर ऐसी क्या बात है। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद दोस्तों।